बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में जो है आज हम करनाफ मैप एंड बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन में आज हम फोर वेरिएबल करनाफ मैप के बारे में बताऊंगी मैं कि उसके लिए हम करनाफ मैप कैसे बनाएंगे। उससे पहले थ्री वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स के मैप के बारे में लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ मैं कि उसके लिए हम करनाफ मैप कैसे बनाते हैं। This is the four variable K map. So इसमें जो है हमारे पास four variables होंगे, so there are about 16 cells, because जिस तरह हमारे पास four variables होते हैं तो truth table में हमारे पास उसके 16 possible combinations होती है। So in Karnaugh map अगर हमारे पास four variables हैं तो 16 पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं पॉसिबल बाइनरी की वो टू है, 0 एंड 1, एंड द नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आर 4 हेयर इन 4 वेरिएबल के मैप। सो 2^4 इज़ इक्वल टू 16। तो जैसे ट्रुथ टेबल में हमारे पास 4 वेरिएबल का जो ट्रुथ टेबल होता है उसमें 16 हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन होती हैं, तो यही करनाफ मैप में भी उसके 16 सेल्स हैं इन केस ऑफ फोर वेरिएबल के मैप, क्योंकि इसके 16 पॉसिबल कम्बिनेशन होंगी तो हर एक सेल एक पॉसिबल कम्बिनेशन को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मुझे ए बी की वैल्यूज़ को शो कर रहा है और ये सी डी की वैल्यूज़ को शो कर रहा है। तो जिस तरह कल मैंने डिस्कस किया था थ्री वेरिएबल और टू वेरिएबल के बारे में, तो ऐसे ये भी है, मगर इसमें वेरिएबल्स जो है सिर्फ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द लास्ट वन। अब ये हमारे पास ए बी, ये वाला सेल ए बी को शो कर रहा है पूरा ए बी, और फिर उसके लिहाज से जो कम्प्लीमेंटेड, मगर ये सारे ए बी के हैं, मगर किस पे कम्प्लीमेंट है किस पे नहीं है ये फिर अभी आपको बताऊंगी। ये हो गया एंड दिस वन, दीज टू आर फॉर द दीज टू टू वैल्यूज़, एंड दीज आर फॉर सी डी। ए बी लें, ए बी सी डी लें, डब्ल्यू एक्स वाई जी लें, डिपेंड करेगा वेरिएबल पे, जो आप वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिहाज से होगा सी डी। अब किस पे कॉम्प्लीमेंट है और किस पे नहीं है, ये इस तरह मैंने कल बताया था, जो यहाँ जो थ्री वेरिएबल्स का था उसमें जो है किस तरह हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो 0 1, ये ज़ीरो के इक्विवेलेंट है, ये 1 है, ये 2 3, 0 1 2 3, तो ये जो है हमारे पास इस तरह का कम्बिनेशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो टू वेरिएबल्स को इधर लूँगी, 2 2 को इधर लूँगी, तो इधर के टू कम्बाइन होकर 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे इस सेल में। इधर यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, फिर यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ पे लेंगे। अब ये सी डी है, सॉरी 0 0 है, सो सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ये 0 1 है तो सी कॉम्प्लीमेंटेड है और डी कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है। ये 1 1 है तो दोनों कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है। ये हम सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है डी कॉम्प्लीमेंटेड है और सी मेरे पास कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू के लिए 0 है और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू के लिए 1 है। यहाँ पे 0 0 है, सो बोथ ए बी आर कॉम्प्लीमेंट। हेयर 0 1, सो एज ए कॉम्प्लीमेंट बी है। दोनों कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू, दोनों 1 1 है, सो ए और बी कॉम्प्लीमेंटेड नहीं होंगे। और ये 1 0 है, सो बी इज़ हेयर कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। सो यहाँ पे ये दो टू बिट्स है और यहाँ पे 2 बिट्स है, तो इस सेल में 2 बिट यहाँ से लेंगे, 2 यहाँ से लेंगे, फिर 2 यहाँ से लेंगे, हर एक सेल में 2 इस साइड से लेंगे और 2 2 इस साइड से लेंगे, तो ये 4 बिट्स कम्बाइन होंगे। और यहाँ पे जो कम्बिनेशन है 0 1 2 3, 0 0 0 1, 0 0 0 का बाइनरी नंबर है, 0 1 जो है इनकेस ऑफ टू वेरिएबल है हमारे पास 1 का है, ये 1 0 2 का बाइनरी है, और इधर ये 1 1 3 का है। इस साइड पे भी 2 लूँगी, इस साइड पे 2 लूँगी, तो ये 2 2 वेरिएबल्स के इधर हो गए, 2 2 के इधर हो गए। तो एक सेल में 2 वेरिएबल यहाँ से आएंगे, 2 वेरिएबल्स यहाँ से आएंगे, 2 बिट्स यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे, तो हमारे पास ये 4 बिट्स हो जाएंगे, सही है। अब यहाँ से 0 कैसे हैं,
अब जो है हमारे पास ट्रुथ टेबल के बारे में, 16 बिट ट्रुथ टेबल के बारे में आपको जो है उसकी वैल्यूज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे है ये 00 है, 00 यहाँ से लिया है, 00 यहाँ से लिया है, ए बी, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, डी कम्प्लीमेंट, ऑल वैल्यूज़ आर 0। पहली वाली जो दो वैल्यूज़ होंगी वो ए बी की होंगी, दूसरी वाली दो वैल्यूज़ सी डी की होंगी। सो हेयर वी हैव 0, 0, 0 एंड 0। सो यहाँ पे जो हमारे पास 4 ज़ीरोज़ आएंगे, 2 ज़ीरो यहाँ से, 2 ज़ीरो यहाँ से, सो इट्स द 4 बिट वैल्यूज़ आर 0, सो इट इज़ इक्वलेंट टू 0। फिर यहाँ से जो लूँगी 00 यहाँ से आएगा इस पे, और यहाँ से 101 आएगा, ये 00 दो यहाँ से आएगा, यहाँ से 01 आ गया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 00001, तो ये मेरे पास हो गया 0001, मेरे पास इक्वलेंट है 1 के, इन केस ऑफ 4 बिट्स, 2 बिट्स यहाँ से आ रहे हैं, 2 बिट्स यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ से 2 ज़ीरो आ रहे हैं, यहाँ से 2 1 है, तो ये 2 ज़ीरो ए भी है ना, तो ये पहले होंगे 2 ज़ीरोज एंड 2 वंस, जो कि मेरे पास 3 के बराबर है, इट्स इक्वलेंट टू 3। फिर मेरे पास 00 यहाँ से है और यहाँ 10 है, तो ये 00 अब यहाँ से 10, तो 0010 इन ट्रुथ टेबल ऑफ 16 बिट्स वी हैव 2। फिर यहाँ पे जो है यहाँ से 01 लेगा जो कि ए बी है, 01, और यहाँ से 00 लेगा, तो ये मेरे पास 16 बिट के ट्रुथ टेबल, 4 बिट्स ट्रुथ टेबल में मेरे पास 01004 के बराबर है। वो ट्रुथ टेबल आपके सामने होना चाहिए, आप पहले उस ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए मैंने इसमें नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को 4 वेरिएबल ट्रुथ टेबल के बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होती हैं। फिर इसके लिए 01 यहाँ से आएगा, और 01 यहाँ से, सॉरी यहाँ पे ये 01 यहाँ से आएगा और फिर 01 यहाँ से होगा। सो 0101 इन द ट्रुथ टेबल ऑफ 4 वेरिएबल्स ट्रुथ टेबल में जो हमारे पास 0101 है वो 5 के बराबर है। अब फिर यहाँ से ये 01 लेगा और यहाँ से 11 ले लेगा, तो 0111 इज इक्वल टू 7। 7 का 4 बिट वेरिएबल के ट्रुथ टेबल में मेरे पास जो है 0111 7 के बराबर है। फिर इस वाले सेल पे क्या लेगा, 0101 और यहाँ से 10। तो 4 वेरिएबल ट्रुथ टेबल में अगर आप देखें तो ये मेरे पास 0110 6 के बराबर है, मतलब ये है कि 6 का जो बाइनरी वैल्यू है हमारे पास 0110। ये एक्स्ट्रा ज़ीरो इसलिए कि हम 4 वेरिएबल ट्रुथ टेबल की बात करें, बिकॉज हेयर 4 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व। अब इस सेल पे आएंगे, यहाँ से लेंगे 11 और यहाँ से 0 एंड 0। इस केस में अगर आप 4 वेरिएबल ट्रुथ टेबल में देखेंगी तो आपके पास क्या आएगा, 1100, वो 12 के बराबर है। फिर इस तरह यहाँ से 11 यहाँ से लेगा और ये 01 यहाँ से ले लेगा, तो 1101 इन 4 वेरिएबल ट्रुथ टेबल इट्स इक्वल टू 13। मीन 1101 इज़ द बाइनरी वैल्यू ऑफ 13, डेसिमल वैल्यू उसकी 13 होगी हमारे पास। फिर यहाँ से जो है 11 आएगा इधर, और यहाँ से भी 11 आएगा, तो हमारे पास 1111 जो 4 वंस है इन केस ऑफ 4 वेरिएबल ट्रुथ टेबल वो 15 के बराबर है। मीन 4 वंस जो है हमारे पास बाइनरी नंबर है 15 का, ठीक है। फिर है यहाँ से जो है 11 है और यहाँ से 10 लिया है, सो 1110 इज़ इक्वल टू द 14 डेसिमल नंबर, 14 के बराबर है। 1110 इज़ द बाइनरी कोड फॉर 14। फिर यहाँ पे जो है 10 यहाँ से लेंगे और 00 यहाँ से हो जाएगा, तो 1000 इज़ इक्वल टू द डेसिमल ऑफ 8 जो हमारे पास नंबर है, 8 डेसिमल के इक्वलेंट 1000 है। फिर यहाँ से ये 10 हम लेंगे और ऊपर वाले से 01 लेंगे,
तो 1001 इज़ द बाइनरी कोड ऑफ 9. नाउ 10 एंड 11. 10111 इज़ द बाइनरी कोड ऑफ 11. आप उसको ट्रुथ टेबल में भी देख सकती हैं, 16 वेरिएबल ट्रुथ टेबल आप पहले से इम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है. फिर यहाँ से 10 आएगा और यहाँ से भी 10 आएगा, तो 1010 इज़ द बाइनरी कोड ऑफ 10. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4, ये इस तरह 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7. फिर यहाँ पे ये बीच में ये मिसिंग है, जिस तरह ये पहले ये मिसिंग है, ये वाला पहले, इसके बाद ये वाला है, फिर ये वाला है, तो इस तरह इसके बाद इससे पहले ये वाला है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7. मीन जो थर्ड लोकेशन पे है वो हमारे पास वो लास्ट वाला है, ठीक है. इस केस में तो इस दोनों के बाद ये है बीच में एक छोड़ के, फिर इस दोनों के बाद ये है बीच में ये छोड़ के, तो इस तरह इन दोनों सेल्स के, इन दोनों रोस के बाद जो है ज़रा 4 5 6 7 है, तो 8 9 10 11 यहाँ नहीं है, बल्कि 8 9 10 11 यहाँ पे है वो कम्बिनेशन. तो अगर आप इसको याद करना चाहें तो ऐसे भी है, तो जिस तरह ये है, तो ये कम्बिनेशंस अगर आपको याद रहेंगी, ठीक है, 0 1, ये टू वेरिएबल यहाँ पे है, 2 2 वेरिएबल यहाँ पे, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो गर्म ये कर्न ऑफ मैप हम बनाएं इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कर्न ऑफ मैप में हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर जहाँ पे वो 4 2 वेरिएबल यहाँ पे 2 2 वेरिएबल, अगर सिंगल वैल्यूज़ है तो वो तो फिर 0 n 1 सिंपल हो जाएगा, जिस तरह मैंने इन केस ऑफ जो है 2 वेरिएबल कर्न ऑफ मैप में और 3 वेरिएबल कर्न ऑफ मैप में, जो 2 का साइड था, एक तो 4 का साइड था 3 वेरिएबल में और एक 2 का साइड था, ठीक है, अगर रो वाइज. मगर इसमें तो दोनों साइड्स 4 4 के हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्यूब में है, तो यहाँ पे 2 2 ले रहे हैं, यहाँ पे 2 2 ले रहे हैं, तो ये मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7, मीन बीच में ये जो थर्ड नंबर है ये इधर आया है, फिर फोर्थ इधर है, फिर ये पूरा सेल छोड़ के, जिस तरह इस दोनों के बाद ये एक सेल छोड़ के अगला है, ठीक है, फिर इस दोनों के बाद 4 5 के बाद जो है एक सेल छोड़ के ये है, फिर ये वाली वैल्यू, ये आपस में स्वैप्ड है, ये दोनों आपस में स्वैप्ड है, तो इस तरह ये वाला लाइन ये होना तो नीचे चाहिए ना इस लिहाज से, मगर ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी इस रेंडा इस पोजीशन में है, जो कि ये मेरे पास 0 के बराबर है, 2 में ये 1 सॉरी ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, ये 2 के सॉरी ये 3 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, ये मेरे पास 0 1 2 3, ये 2 बिट्स के केस में अगर आप देखें तो ये 0 1 2 3 0 1 2 3, तो इस तरह ये 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये सारा छोड़ के यहाँ पे है 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 हमारे पास 0 से 15 तक हमारे पास जो है 4 वेरिएबल के केस में कर्न ऑफ मैप भी होता है और 4 वेरिएबल के केस में हमारे पास ट्रुथ टेबल होता है. मगर ये एंट्री जब आप सही करेंगी ना इस लिहाज से 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0, तो ये कम्बिनेशंस फिर आपकी सही रहेंगी. मगर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपने इस सीक्वेंस को छेड़ना नहीं है, इस सीक्वेंस को आप इसी तरीके से करेंगी. जो लास्ट वन है वो जो लास्ट दो है, लास्ट दो सेल्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होंगे, ये लास्ट दोनों जो हैं, जब ये लास्ट ये वाले दोनों सेल्स आपस में इंटरचेंज है, ये दोनों इंटरचेंज है, तो डेफिनेटली ये लास्ट लाइन्स भी आपस में एक दूसरे के साथ चेंज होगी, इसकी जगह ये और ये होगी. ये चीज़ ज़रा याद रखनी चाहिए, समटाइम्स स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं. और ये चीज़ आप ख्याल रखेंगी कि इधर मैंने ए बी लिया है, इधर सी डी लिया है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है ये ए बी की है और ये जो ये वैल्यू सी डी की है, मतलब ये फर्स्ट 2 वैल्यूज़ बिलोंग्स टू ए बी एंड सेकेंड 2 वैल्यूज़ बिलोंग्स टू सी डी. अगर मैं यहाँ पर ए बी लिखूँगी और यहाँ सी डी लिखूँगी तो फिर आपने उस डायरेक्शन में करना है. सो जिस डायरेक्शन में आपको इक्वेशन, तो जो इक्वेशन जिस डायरेक्शन में गिवन है, बट दीज टू वैल्यूज़ बिलोंग्स टू ए बी एंड दीज टू वैल्यूज़ बिलोंग्स टू सी डी, तो आपने उस सीक्वेंस में करना है,
ताकि आपके पास फॉर्मेट ए बी सी और डी में आए। अब जहाँ पे कम्प्लीमेंट है, जहाँ पे नहीं है, तो उस लिहाज से आप कर सकती हैं। अब ये यहाँ पे कम्प्लीमेंटेड वैल्यू नहीं है, जिस तरह अब ये सपोज़ मैं ये लिखूँगी तो ये ए कम्प्लीमेंट, बी सी कम्प्लीमेंट, डी कम्प्लीमेंट। अब ज़ीरो कम्प्लीमेंटेड वैल्यू को शो कर रहा है और जो वन है वो नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू, और पहले दो बिट्स ए बी को और लास्ट टू बिट्स सी डी को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपके करस्पॉन्डिंग इस सेल्स में आपको उसकी पुटिंग कर सकते हैं। मगर इस सेल्स में ये रो वाइज और कॉलम वाइज ये फिलिंग है, इसको आप ख्याल से करेंगे। ठीक है, और ये जो है ये वाला, इस अगर ए बी मैंने यहाँ लिखा है तो ये वाला डायरेक्शन ए बी का होगा, और अगर सी डी यहाँ है तो ये वाला डायरेक्शन सी डी का होगा, और इस लिहाज से इसकी जो है मैपिंग होगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, और ये ए बी सी डी के फॉर्मेट में आपके पास ये सारा कुछ गिवन होगा। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग, अब जिस जहाँ पे जो भी है, अब कम्प्लीमेंट इस पे है, इस पे जिस पे कम्प्लीमेंट है, तो उस लिहाज से वो कम्प्लीमेंटेड वैल्यू हर एक सेल में लगेंगी। मगर मैंने सिर्फ वो सीक्वेंस बताई है कि इस हर एक सेल में इस सीक्वेंस में होगा। अब जहाँ से कम्प्लीमेंटेड है, अगर सपोज़ मैं इस सेल को लूँगी तो ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी डी कम्प्लीमेंट, ये देखिए ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी डी कम्प्लीमेंट, तो हर एक सेल की अपनी यूनिक वैल्यू होंगी ऑफ ए बी सी डी विद कम्प्लीमेंटेड एंड नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यूज़। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी।